हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली आपकी रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपकी कौन सी वैकेंसी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी आपकी नोटिफिकेशन की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज आपसे निवेदन है, जल्दी से आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम से जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब और इन्फॉर्मेशन डेली मिलती रहे। गवर्नमेंट जॉब की डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को। बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में, उसकी नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। 10 पेज का आपका नोटिफिकेशन है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की है, जिसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो कि आपका SSA टेक्निकी आपका टेक्निकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फॉर 2022 बैच, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वैकेंसी के बारे में। आपको ग्रुप ए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं जनरल ड्यूटी, यहाँ पे 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट वो है पास बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट सेमेस्टर 1-8 BTech कोर्स फॉर या फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे आपके 60% होने चाहिए फर्स्ट टू आपके 8 सेमेस्टर होने चाहिए BTech कोर्स फर्स्ट टू लास्ट ईयर फॉर बैचलर डिग्री। यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स है एज सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में होना चाहिए, जिसमें आपका क्लास 12th में 10+2-3 स्कीम रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 60% होना चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। कैंडिडेट नॉट एन पोजिशन फिजिक्स और मैथ 10+2 आपका इक्वलेंट या लेवल होना चाहिए, नॉट एलिजिबल टू जनरल ड्यूटी, ठीक है। अगर आपके मैथ और फिजिक्स नहीं है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉमर्शियल पायलट के लिए यहाँ पे दे सकते हैं आपका बॉर्न 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जून 2023 3 के बीच में, ठीक है। मेल फीमेल कैंडिडेट होल्डिंग करंट वैलिड कॉमर्शियल पायलट होना चाहिए, जो कि CPL वैलिड होना चाहिए। डायरेक्टर आपका जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यहाँ पे आपका 12th पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए और 60% मार्क इन एग्रीगेट। टेक्निकल आपके जो इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल में 1 जुलाई 1997 30 जून 2021 के बीच में मेल कैटेगरी में इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। 60% एग्रीगेट यहाँ पे आप शुड हैव पास आपका सेक्शन A B, ठीक है। यहाँ पे आपका होना चाहिए इंडिया आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया यानी डिसिप्लिन जो नीचे लिस्ट है, इंजीनियरिंग ब्रांच इन नेवल आर्किटेक्चर मैकेनिकल मरीन ऑटोमेटिव में आपका मैकेट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या मेटलर्जी का डिजाइन या एरोनॉटिकल एयरस्पेस, या आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ऑल द अबव जो आपको मैंने अभी स्ट्रीम बताई है इंजीनियरिंग मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाई AICTE अप्रूव्ड होने चाहिए। 60% मार्क होने चाहिए आपके हाई स्कूल में सॉरी 12th में फिजिक्स और मैथ में, ठीक है। 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स या फिर आपका हो 60% एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्विस के लिए आपको असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 8 साल का आपका होना चाहिए एक्सटेंडेड, 10 साल का फर्दर एक्सटेंडेड हो सकता है 14 ईयर के। इस तरीके से यहाँ पे 8 साल से लेकर 10 साल और या आपका 14 साल तक आपका कार्यकाल रह सकता है, ठीक है। अपर एज रिलेक्शन 5 साल SC ST कैंडिडेट के 3 साल OBC के लिए, मैक्सिमम 5% रिलेक्शन रहेगा SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। नो रिलेक्शन फॉर 12th इन क्लास मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका देखिए आपकी जो असिस्टेंट कमांडेंट की 2022 का बैच है GD की आपका CPL की और टेक्निकल इंजीनियर की 30, 10, 6, 4 वैकेंसी हैं। कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं टोटल 50 वैकेंसियाँ हैं। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, वाइल शॉर्ट लिस्टिंग आपका कॉल अप प्रायोरिटी विल बी गिवन कैंडिडेट हायर परसेंटेज एंड मार्क और डिग्री, ठीक है। जिनकी सबसे ज़्यादा आपके परसेंटेज उनको यहाँ पे प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। ओनली कैंडिडेट क्लियर देयर फाइनल और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीटेड डिग्री आर टू अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फाइनल और फाइनल सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, ठीक है। कैंडिडेट विदड्रॉ डिसिप्लिनरी ग्राउंड एनी अदर सर्विस एकेडमिक आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के लिए दे सकते हैं, आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है।
6 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं 2021 को। आपको देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर या मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे कोई मिसमैच होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे इंडिकेट 12th के जो परसेंटेज हैं वो आपके होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन मार्क अप टू 2 डेसिमल रहेगा, इज नॉट राउंड ऑफ होंगे, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर सकते आप। कैंडिडेट चूज एनी वन वेन्यू PSB, ठीक है, आपको यहाँ पे बट ऑप्शन डिस्प्ले में हो जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए और आपका चेंज नहीं होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है, मैंडेटरी है, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन हो रहा है रिक्रूटमेंट असिस्टेंट कमांडेंट द्वार आपका 22 का बैच के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आई एग्री पे करना है, इस तरीके से आपको फोटो का साइज दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 40, 10 से 30 KB का है, ठीक है, सिग्नेचर का। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाई स्कूल के और 12th के मार्कशीट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं आपको ऑनलाइन जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। 6 दिसंबर लेकर 17 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं 5:30 बजे तक। शेड्यूल प्रीमली आपका सिलेक्शन एग्जामिनेशन है, यहाँ पे हम देखेंगे जो आप यहाँ पे आपको जो कंडक्ट होंगे आपको आपको दिए गए गोवा, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा में, ठीक है, ये है डिटेल। आपका स्टेज यहाँ पे जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर, शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्ट का आपका जो क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग कट ऑफ, पर्टिकुलर ब्रांच आपका जो रहेगा सेंटर में भी मोर देन 60%, इफ आपका जो से हायर होंगे उनका जो रिसीव होगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के बारे में आप दे सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे जो कि गिवन डेट और टाइम, जो कि कंसिडर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे किया जाएगा। स्टेज टू की बात करें, फाइनल सिलेक्शन होगा, जो कैंडिडेट प्री आपका एग्जाम में आप सेलेक्ट होते हैं उन्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, जिनका डेट और आपका वेन्यू होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा होगा। विल बी अपलोडेड इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी कंडक्ट टेंटेटिव आपको फरवरी अप्रैल के बीच में होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 कॉपीज ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड प्री फिल्ड आपका ऑनलाइन ई एडमिट कार्ड, ठीक है, अलॉन्ग विथ आपका कलर फोटो, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब आपको लेके आने, आधार कार्ड या वोटर आईडी, जो भी आपका एक पहचान पत्र हो वो, ठीक है, वो आपको लेकर आना है। बाकी आपकी मेडिकल आपको हाइट है उनके बारे में 157 रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट की 162 रखी गई है, मैक्सिमम आपको दे सकते हैं 197 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेग आपका 99, आपका लेग लेंथ आपका मिनिमम 99, वेट यहाँ पे आपका ये उसके बारे में देगा प्रोपोर्शन होगा। चेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं विल आपका प्रोपोर्शन मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। आई साइट के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ रीजन है, यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं, डिटेल है। यहाँ पे आपको रैंक के बारे में, अदर बेनिफिट के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली आपके रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 2022 का बैच है, इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे उसकी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी की अपडेट के लिए हमारे चैनल बने रहे। वीडियो देखने धन्यवाद।